बहुत सी ऐसी रहस्यमय जगहें होती हैं जिसको देखने के बाद हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं। तो आज हम आपको कुछ एक ऐसी चीज दिखाएंगे जिससे आपको भी सोचना जरूर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दुर्गेश, हाजिर हूं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर। ईस्टर द्वीप, जो चिली देश का एक ऐसा द्वीप है जहां पर 40 फीट की मानव जैसी पत्थर की मूर्ति रखी हुई है, तो उस द्वीप पर कोई मानव तब बसे ही नहीं थे, तो आखिर वो मूर्ति आए कहां से? काफी पर्यटक वहां जाते रहते हैं और देखते हैं कि 40 फीट की मूर्ति, कम से कम 600 में ऐसी मूर्तियां वहां पर पाई गई हैं। लेकिन ऐसी मूर्तियां यहां पर लाया कौन है, आज तक एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि एक ऐसा रहस्य जो कि देखने के बाद आपको भी सोचना जरूर पड़ेगा कि जिस द्वीप पर कोई भी जीव ना रहता हो, वहां पर एक 40 फीट की पत्थरों की मानव जैसी मूर्ति कौन स्थापित कर सकता है? और इस समय वहां उस मूर्ति की सिर्फ सर ही दिखाई देता है, धड़ उसके पूरी जमीन में होता है। तो आखिर ये कैसे हो सकता है? आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ की तो खास बात यह है कि सारी मूर्तियाँ देखने में एक ही जैसी लगती हैं, और ऐसा लगता है सारी मूर्तियों को एक ही सांचे में ढाला गया है। सेलिंग स्टोन, कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया के डेथ घाटी में मौजूद है। डेथ वैली की तापमान और यहाँ की बनावट वैज्ञानिकों को हमेशा आश्चर्य में डालता रहता है। इससे भी ज्यादा आश्चर्य करने वाली तो बात यह है कि जो यहाँ के अपने आप पत्थर खसकने वाले हैं, जो कि कुछ पता ही नहीं चलता कि ये पत्थर अपने आप खिसक कर इतने दूर कैसे आ सकता है। यहाँ इस क्षेत्र को सेलिंग स्टोन्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 1 से 20 किलोग्राम तक के पत्थर को अपने आप खिसकते देखा गया है। इस सूखे मरुस्थल में ऐसे छोटे छोटे पत्थर बहुत से मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि ये पत्थर आगे की तरफ खसक रही हो। इसके पीछे की जो लकीरें हैं, वो आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर जो पत्थर अपने आप खसकते दिखाई देते हैं, वो 1900 के दशक से ये आश्चर्य बने हुए हैं कि आखिर ये पत्थर यहाँ पर कैसे खसक जाता है। ये अपने आप रहस्यमय ढंग से अपनी जगह बदलती रहती है और पीछे अपना निशान छोड़ती रहती है। ऐसा होता रहता है। कुछ विशिष्ट लोगों का कहना है कि ऐसी यहाँ पर शक्तियाँ हैं जिसके कारण ये पत्थर इधर उधर खसकते रहते हैं। नाजा लाइंस, पेरू, कहा जाता है कि ये रेखाएं 200 ईसा पूर्व से भी पुरानी हैं। ये जगह आज भी मौजूद है और ये जगह पेरू में स्थित है। ये रेखाएं लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं और ये रेखाएं आप हेलीकॉप्टर से आसानी से देखे जा सकते हैं, और ये लाइनें कुछ अपनी आकृति बनाते हैं जिससे आप हेलीकॉप्टर से भी देख सकते हैं। पेरू की ऐसी रेगिस्तानी सतह पर ऐसी आकृतियां बनी हुई हैं जो कि कोई पेड़ के समान और कोई किसी जानवर के समान, कोई छोटी मकड़ी के समान, ऐसे बहुत सी आकृतियां यहाँ पर उपलब्ध हैं, जो कि बताया जाता है कि काफी ऐसे एलियंस की भी घटना हो सकती है, और ये आकृतियां लगभग 500 ईसा पूर्व तक दर्शाती हैं। नाजा की ये लकीरें कब, किसने और क्यों बनवाया, ये आज तक भी किसी को पता नहीं है। लद्दाख के लेह में एक ऐसा पहाड़ है जो लोगों को अचंभित कर देता है, क्योंकि एक ऐसा पहाड़ जो कि कोई भी गाड़ी हुआ या कोई भी वस्तु हुआ, अगर आप उस जगह पे रखते हैं तो वो अपने आप ढलती हुई दिखाई देती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पीछे की तरफ से कोई खींच रहा है और आगे की तरफ से कोई उसे ढकेल रहा है, क्योंकि ये ऐसे कारण होते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण, जो कि वहां 0 डिग्री में मापा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे रोचक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लेके आते रहते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की इसको इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।